नमस्कार दोस्तों, बेबी एंड चाइल्ड केयर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नॉर्मली अभी 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और बहुत सारी महिलाएं जिनका कि छोटा सा बच्चा होगा या फिर जिन महिलाओं के बच्चे हैं उनके दिमाग में एक बात तो चल ही रहा होगा कि क्या हमारे बच्चे पर भी ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है, हम अपने बच्चे को ग्रहण से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली अभी क्या है कि कोरोना चल रहा है तो बच्चे नॉर्मली घर से बाहर जाते नहीं हैं, लेकिन यदि आपका बच्चा घर से बाहर जाता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका बच्चा घर से बाहर ना जाए ग्रहण के दौरान। अगर वो जा भी रहे हैं तो वो नंगी आँखों से ग्रहण को लगते हुए ना देखें, नहीं तो उनकी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। तो बस ध्यान ये रखिए कि अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने ना दें जब तक ग्रहण है। उसके बाद वो घर से बाहर जा सकते हैं खेलने कूदने के लिए। वैसे भी गर्मी बहुत है तो मेरे हिसाब से कोई बाहर जाएगा नहीं, स्कूल वगैरह तो बंद ही है तो वैसे बच्चे स्कूल वगैरह जाएंगे नहीं। बाकी दोस्तों, एक बात आपके दिमाग में और चल रहा होगा कि क्या हम ग्रहण के दौरान बच्चे को खाना पीना दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि बड़े बूढ़े बच्चे और गर्भवती महिलाओं को जो है बहुत सारी चीज़ें माफ़ हैं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें माफ़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा ग्रहण के दौरान भी खा पी सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि ग्रहण के दौरान आप अपने बच्चे को ज़्यादा हैवी खाना ना दें, सिंपल सादा खाना दें, हो सके तो फ्रूट्स वगैरह दें, जूस वगैरह दें, नारियल पानी दें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दें। और दोस्तों कहा जाता है कि ग्रहण लगने के बाद जो है बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वातावरण में पनप जाती हैं, बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु विषाणु जीवाणु जो है वातावरण में वास करने लग जाते हैं, जो कि आपके खाने को दूषित कर सकते हैं, पीने के पानी को दूषित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ग्रहण लगने से पहले ही पीने के पानी में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और ग्रहण के दौरान भी आप अपने बच्चे को वो पानी पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने जो खाना बनाया है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए ताकि ग्रहण के दौरान भी आपका बच्चा आराम से खाना खा ले, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो। क्योंकि दोस्तों इस बात को विज्ञान भी मानता है कि जब वातावरण चेंज हो जाता है और अंधकार छा जाता है तो उस समय जो है बहुत सारे कीटाणु विषाणु जीवाणु पनपने लग जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि वो सबसे पहले आपके खाने पर अटैक करेंगे और आपके खाने को दूषित कर देंगे, गंदा कर देंगे, और आपका बच्चा वो खाना खाएगा तो बीमार पड़ सकता है। इसलिए ग्रहण लगने से पहले ही खाने में तुलसी का पत्ता डाल दें, क्योंकि दोस्तों तुलसी का पत्ता बहुत गुणकारी होता है, उसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो कि आपके खाने को दूषित होने से बचा लेता है। वैसे दोस्तों आप जानते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है और आजकल एक काढ़ा बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि आपको सेतु ऐप पर भी मिल जाएगा, जिसमें कि तुलसी का पत्ता, सोंठ, काली मिर्च और भी चीज़ें डाल के बनाई जाती हैं। तो उसमें तुलसी का पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है, बहुत सारी बीमारियों को आपके शरीर से दूर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को खाने में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो विषाणु को, जीवाणु को, कीटाणु को खाने में पनपने ही नहीं देते हैं। तो कितना ज़्यादा गुणकारी है आप खुद सोच सकते हैं। और दोस्तों केवल ग्रहण से पहले ही नहीं, हो सके तो वैसे भी अपने बच्चों को तुलसी के पत्ते खिलाइए, तुलसी का रस मिल जाता है वो अपने बच्चे को दीजिए, बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों इतना ही ध्यान रखना है, बाकी ग्रहण के बाद अपने बच्चों को नहला दीजिएगा। कहा जाता है कि ग्रहण के बाद नहलाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, तो आप भी ग्रहण के बाद नहा लीजिएगा, अपने बच्चों को नहला दीजिएगा ताकि ग्रहण का जो भी प्रभाव है वो उतर जाए। वैसे तो बच्चे पे पड़ने वाला नहीं है क्योंकि बच्चे पे नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो ग्रहण के बाद अपने बच्चों को नहला सकते हैं। आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ऐसा काम मत करना, क्योंकि ग्रहण जाके ख़त्म होगा 2-3 बजे, उस समय बच्चों को नहलाना ठीक नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से और कोई ध्यान रखना नहीं है और आपको कुछ करना नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।